सर आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। यार सर्वर को कंट्रोल मेहरबानी करें अपने आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चाहिए। ऑडियो लीक हो गई या कर दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तालुकात में नई करवट। जहांगीर तरीन की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात, गवर्नर पंजाब चौधरी सर्वर को कंट्रोल करें। चौधरी परवेज इलाही ने साफ साफ कह दिया, गवर्नर ने वजीर आला को चलने नहीं दिया। तारिक बशीर चीमा ने भी चुप तोड़ दी, बोले मेरे हल्के में मुदाखलत होगी तो वजीर आला को शिकायत करूंगा। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। जहांगीर तरीन से शिकायत करने के बाद चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तारिक बशीर चीमा को पुराना शिकवा है कि उनके हलके में मुदाखलत होती है। गुस्सा दूर ना हो तो फिर वो खुफिया राय शुमारी में निकलता है। किसी शिकायत के अजाले का फायदा पीटीआई को ही होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली, बोले वजीर आला उस्मान बुज़दार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से फैसले कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब वजीर आजम इमरान खान के विजन पर अमल पैरा हैं। उस्मान बुज़दार मुकम्मल तौर पर बाख्तियार हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार सूबे में तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं। गवर्नर सर्वर का ट्वीट, मुआशरे के बेयारों मददगार लोगों के लिए पनाहगाह। वजीर आजम इमरान खान ने रेलवे स्टेशन पर पहले शेल्टर होम का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब समेत पीटीआई के रहनुमाओं की शिरकत। इचरा, दरबार, चुबुर्जी और शाहतरा में भी शेल्टर होम बनेंगे। मुसाफर खानों की निगरानी के लिए खसूसी बूथ तश्कील देने का भी ऐलान। जल्द काम शुरू करने पर वजीर आजम की वजीर आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। DGLDA आमना इमरान खान की भी तारीफ। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, उसके फैसलों पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे पास वसाइल की नहीं एहसास की कमी है। इमरान खान, शेल्टर होम फलाही रियासत की तश्कील की जाने पहला कदम है। हमें कर्जों का पहाड़ मिला, अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया। जल्द ही गुरबत खत्म करने का पैकेज लाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम का खिताब, कहा करप्शन के बारे हैरान कुन इंकशाफ करूंगा। वजीर आजम ने वजीर आला को एक बार फिर लफाफी थपकी दे दी, बोले उस्मान बुज़दार के इंतकाब पर लोगों को खदशात थे। हमारा मकसद इक्तदार से बादशाहत का तासुर खत्म करना है। मैं क्रिकेट में खिलाड़ी जितना तो कहीं इंजमामुल और कोई वसीम अकरम बनता, सियासत के मैदान में उस्मान बुज़दार भी इंशाल्लाह वसीम अकरम बनकर निकलेंगे। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब से वन ऑन वन मुलाकात। सूबाई काबीना के इजलास की भी सदारत। आम आदमी की जिंदगी में वासे तब्दीली पैदा करने पर तबादला ख्याल। सूबा पंजाब में तर्ज हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ तजावीज पर गौर। पंजाब हुकूमत की सारी तवज्जो आम आदमी की जिंदगी पर बदलने पर होनी चाहिए, वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद, ट्रैफिक का धड़न तख्ता हो गया। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार। ऑस्ट्रेलिया चौक, मैकलो रोड, ब्रांथर रोड, गाड़ियों का बम्पर टू बम्पर मंजर। सर्कुलर रोड, एक मोरिया पुल, दो मोरिया पुल, लारी अड्डा और दीगर सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। सिक्योरिटी के बायस रेलवे स्टेशन के एतराफ में दुकानें बंद। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में चौथी पेशी, चौथी बार जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले, 24 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हसार में एहतसाब लाया गया। कड़ी सिक्योरिटी में अदालत से नैब ऑफिस ठोकर न्यास पेक मुंतकिल कर दिया गया। कमरा अदालत में तफ्तीशी अफसर और शहबाज शरीफ के दरमियान तल कलामी। शहबाज शरीफ तफ्तीश के दौरान घूरते हैं और धमकियां देते हैं। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत में शिकायत लगा दी, मुझे घूरने और धमकियां देने की कोई जरूरत नहीं। साबिक वजीर आला का जवाब, फिजिबिलिटी से मुतालिक पूछा तो जवाब मिला LDA से तफसीलात ले लें। बतौर ऑपोजिशन लीडर चैम्बर्स में तफ्तीश मुमकिन नहीं थी। तफ्तीशी अफसर के दलाइल, हल्फन कहता हूँ नैब हुकाम वहाँ भी तफ्तीश करते रहे। शहबाज शरीफ का जवाब,
शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एक और केस की गिरफ्तारी। नैप ने आशियाना के बाद रमजान शुगर मिल केस में भी गिरफ्तार डाल दी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड देने की नैप की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एक बार फिर एहतजाज, पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम फेल, अदालत में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस के साथ एंटी राइड फोर्स और रेंजर्स को बुलाना पड़ा। हमजा शहबाज, ख्वाजा इमरान नजीर, अली परवेज मलिक, चौधरी शहबाज भी पहुंचे। खवातीन कारकुन भी सरापा एहतजाज, लीगी रहनुमाओं ने गिरफ्तारी नाजायज करार दे दी। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, वकील राय नवाज की हंगामा आरई से कन्वेंशन बदनस्मी का शिकार। हंगामा आरई से कन्वेंशन की मजीद कार्रवाई रोक दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक सूरत हाल की संगीनी के बायस तकरीर किए बगैर रवाना। डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत तीन प्रोफेसर कैंप जेल से रहा, जमानत मंजूरी के तीन रोज बाद जेल हुकाम को रोबकार मिलने। डॉक्टर मुजाहिद कामरान के अहलिया और वकला तहरीरी हुक्म लेकर जेल पहुंचे। अदसासा की जानिब से इस्तकबाल गुलदस्ते पेश किए गए। मुजाहिद कामरान बोले, साबित हो गया कि मुझ पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद थे, नैब के कानून में मुकम्मल तरमीम की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की सेनेटर असद अशरफ के घर आमद, डॉक्टर असद अशरफ के भाई के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार तासीयत। सियासी दबाव या कुछ और, बैंक ऑफ पंजाब के सदर नईमुद्दीन खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कोई दबाव नहीं, इस्तीफा जाती वजूहात पर दिया। 10 साल मुद्दत पूरी कर ली। 60 अरब रुपए डिफॉल्टर केसेज नैब और कोर्ट में है, साबिक सदर बैंक ऑफ पंजाब। असातिज़ा के तबादलों पर पाबंदी का मामला, सूबाई वजीर तालीम मुरादराज की कलाबाजियां, पहले वजीर आला ऑफिस पर पाबंदी का मलबा टाला, अब दोबारा ट्वीट में कह दिया तबादले पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री का मामला, हायर एजुकेशन कमीशन के पेशावर रीजनल ऑफिस ने डिग्री की तस्दीक कर दी। अलखैर यूनिवर्सिटी की जारी करदा असल डिग्री एरियल फ़ॉन्ट में है, कलर कॉपी को दानिस्ता तौर पर कैलबरी फ़ॉन्ट में तब्दील किया गया। डीजी नैब पटवारी माफिया के निशाने पर है, तर्जमान नैब। हर तरफ तो चोर है, नैब अकेला क्या करे, हर चोर अपने आप को चौकीदार समझता है। करप्ट सियासतदानों का खात्मा देख रहा हूँ, नए साल में नए चेहरे उफक पर उभरेंगे। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद किराए नहीं बढ़ाए, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, ML-1, 2, 3 और फ्रीट से मुतालिक मुशावरत। हुकूमत जामियात के अमूर में सियासी मुदाखलत नहीं करेगी, माजी को ना भूलें, नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं। गवर्नर पंजाब का तकरीब से खिताब, पंजाब यूनिवर्सिटी का 126वां कॉन्वोकेशन। मियां बीवी का झगड़ा हो जाए तो मर्द घर से जाता है, औरत घर से नहीं जाती। तो मैंने पूछा, हाँ जी क्या बात है, उनके नहीं मेरा बेटा गया था और आपने उसकी बड़ी इंसल्ट की है, आपने उसको ये कहा है, वो बेचारा जब से आया रो रहा है कि डांटेगा किसको, इसके फर्श भी साफ करवाओ, ये भी करवाओ। तो बहरहाल मैंने बेगम साहबा से कुछ नहीं कहा, मैंने बेटे को फिर एक साइड पे ले गया, मैंने कहा बेटा जो मैंने आपसे कहा है ये तुम्हारी बेहतरी के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब की दिलचस्प बातें, बोले बेटे से लंदन में स्टोर पर सफाई सुथराई का काम कराया तो बेगम नाराज हो गई, पाकिस्तान होता तो अहलिया घर से बाहर होती। समनाबाद में पोजीशन होल्डर सलवा के एजाज में तकरीब, सूबाई वजीर सनद और तजारत मियां आसम इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अदसातिज़ा और वालिदैन से तलबा की अखलाकी तरबियत पर ज्यादा तवज्जो देने की अपील। जोहर टाउन में एक्साइज अफसर आफताब रहीम की बेटी की शादी की तकरीब में भी शिरकत, सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद समेत दीगर अहम शख्सियात भी हमरा। रायगढ़ में तबलीगी इज्तमा का आज आखिरी रोज, इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए दुनिया भर से लाखों फरजंदाने इस्लाम इज्तमा में पहुंच गए। दुआ के बाद ट्रैफिक की रवानी मौसर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का जाम प्लान तश्कील।
रहमतों की बरसात, माह रबीउल अव्वल की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुगलपुरा से बागबानपुरा तक मिशल बरदार रैली, शरका ऊंटों घोड़ों बगियों पर सवार, फजा दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर, मॉडल टाउन सी ब्लॉक मस्जिद में महफिल मिलाद का अहतमाम, नाम पर नातखानों ने हुजूर की बारगाह में गुलहाय अकीदत पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तलबा की रहनुमाई के लिए पेश, दूसरे न्यूज एंकरिंग एंड प्रोग्राम होस्टिंग कोर्स के अख्तितामी तकरीब, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। डॉक्टर मोहिजुद्दीन शेख बोले, मीडिया स्कूल ने जदीद तालीम और तरबियत में नए रुझानात को फरोग दिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से सजाया मुलाजमीन के लिए फैमिली गाला, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, बच्चों के लिए पपेट शो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने तो समा बांध दिया। ए वतन प्यारे, वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। और गुलकार शफकत इमानत अली भी खिलाड़ियों का लहू गरमाने हॉकी स्टेडियम पहुंचे, कौमी तराना गाया, खिलाड़ियों की जानिब से शानदार वेलकम, मेहमान के साथ तस्वीर बनवाई,